एमपी में इन दिनों विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है। इस बीच बीजेपी ने देपालपुर से मनोज पटेल को प्रत्याशी घोषित किया है। वहीं इस विधानसभा से टिकट का दावा ठोक रहे जबरेश्वर सीमना के संयोजक राजेंद्र चौधरी ने अब कार्यकर्ताओं और जनता के साथ विचार विमर्श कर बड़ा फैसला लेने के संकेत दिए। देखिए रिपोर्ट। देपालपुर विधानसभा में इन दिनों जबरेश्वर सेना के संयोजक राजेंद्र चौधरी का दम भी देखने को मिल रहा है। जबरेश्वर सेना के प्रमुख राजेंद्र चौधरी लगातार सेवा और समाज के कार्यों में सक्रिय रहते हैं और यही कारण है कि वे भी बीजेपी से टिकट की हुंकार भर रहे थे, लेकिन अब बीजेपी ने मनोज पटेल को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है, जहां इसी के चलते चौधरी ने कार्यकर्ताओं और जनता के साथ विचार विमर्श कर बड़ा फैसला लेने के संकेत दिए। जय जबरेश्वर, जय श्री राम। डोल 11 पर्व गांधीनगर बेटमा और देपालपुर में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मना और बेटमा में ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, उसके लिए सभी बेटमा वासियों को हृदय से आभार धन्यवाद। और एक और बात है कि कल देपालपुर विधानसभा की जो लिस्ट आई है उससे हम संतुष्ट नहीं है। हमारी सब कार्यकर्ताओं के साथ विचार और मंथन चल रहा है, वह मंथन पूरा हो जाएगा, लेकिन प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि देपालपुर की जनता अब भारियों से मुक्त होना चाहती है और वह स्थानीय व्यक्ति को नेतृत्व सौंपना चाहती है। हम बहुत ही गंभीरता से इस विषय पर चिंतन और विचार कर रहे हैं। जय जबरेश्वर, जय श्री राम। कुल मिलाकर देखा जाए तो एमपी में इन दिनों विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है और इसी बीच बीजेपी ने देपालपुर से मनोज पटेल को प्रत्याशी घोषित किया। वहीं इस विधानसभा से टिकट का दावा ठोक रहे जबरेश्वर सेना के संयोजक राजेंद्र चौधरी ने अब कार्यकर्ताओं और जनता के साथ विचार विमर्श कर बड़ा फैसला लेने के संकेत दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, देपालपुर।